नमस्कार, मैं अभिषेक चौधरी, प्राइम न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां ग्वालियर NH 92 पर सेमरपुरा गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक और यात्रियों से भरी बस में जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में बस चालक सहित दो लोगों की मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक यात्री घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही बरोही थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। दरअसल राम श्याम ट्रेवल की प्राइवेट बस मुरैना से भिंड आ रही थी, तभी भिंड ग्वालियर NH 92 पर सेमरपुरा गांव के पास एक अनियंत्रित ट्रक ने बस में टक्कर मार दी, जिसमें बस चालक और एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन महिला समेत छह लोग घायल हो गए। घायल महिला की वजह बस चालक की लापरवाही बता रहे हैं। महिला का कहना है कि बस चालक शराब के नशे में था, जो तेज रफ्तार से बस चला रहा था, जिसके चलते बस अनियंत्रित होकर बस ट्रक से भिड़ गई। हालांकि पुलिस मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। प्राइम न्यूज 24 के लिए भिंड से अक्षय भदौरिया की रिपोर्ट। भिंड से जा रहे थे अपने घर में, तो बस वाले ने मैंने खुद नहीं देख पाया, तो मैं मौका पहुंचा, मैं उसमें दूसरी बस में बैठा। भिंड से आप कहाँ के लिए जा रही थी? पिडोरा के लिए जा रही थी, तो उसमें बस रोकी नहीं क्या? नहीं रोकी, तो मुझे नहीं दिखाई दिया। ये राम श्याम ट्रेवल्स की एक बस थी जो कोरता से के भी चलती है, सुबह 10:30 तकरीबन ये सेमरपुरा जोड़ के पास जैसे पहुंची बस, तो भिंड तरफ से आ रहा है डंपर, उसने उसको टक्कर मारी। डंपर ड्राइवर तेजी से गाड़ी चला रहा था, इसमें बस ड्राइवर की मौके पर ही मृत्यु हो गई है और एक महिला और दो बच्चियां घायल थी, इनको अस्पताल भेजा गया था। सूचना मिल रही है कि वो महिला की मृत्यु हो गई, तो पुलिस में दो लोगों की मृत्यु होने की सूचना। ट्रक ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा पंजीबद्ध कर जांच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करें। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन को दबाकर हमारी ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहें।